Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. दो वीडियोस ने सोशल मीडिया पर बाबर आजम के मद्दाह को तकसीम कर दिया, मगर कैसे? जी हाँ, आपकी डिटेल्स शामिल करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम को दो वीडियोस ने सोशल मीडिया पर सार्फीन को ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। डोमेस्टिक इवेंट चैंपियंस वन डे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में स्टैलियन की ट्रेनिंग सेशन के दौरान बाबर आजम को देखने के लिए मद्दाहों की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया और अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सपोर्ट करते नजर आए। एक मौके पर कप्तान बाबर आजम, शोएब मलिक और दीगर खिलाड़ियों से मिलने एक नौजवान बच्चा ग्रिल क्रॉस करके स्टेडियम के अंदर आ गया। जी हाँ, और बाबर के साथ फोन पर तस्वीर खिंचवा कर वापस लौटा। जी हाँ, सेल्फी लेना चाह रहे थे और बाबर के साथ वो लेने में कामयाब हुए। इस मौके पर बाबर आजम ने नन्हे फैन के साथ तस्वीर बनवाई और खुशगवार मूड में दिखाई दिए, जबकि टीम के मेंटोर शोएब मलिक ने गार्ड को बच्चे को रोकने से मना किया। दूसरी जानिब एक और वीडियो में बाबर आजम के साथ फैन कंधे पर हाथ रख कर तस्वीर बनवाने का मुंतजर था, ताहम उन्होंने इसका हाथ झटक दिया, जिस पर इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। कुछ फैंस ने यह भी कहा है कि दीगर क्रिकेटर्स के ग्राउंड में मौजूद होने की वजह से बाबर आजम ने बच्चे के साथ तस्वीर बनवाई और अच्छा सलूक बरता, जबकि इसके बरक्स जहां कोई सीनियर क्रिकेटर या खिलाड़ी मौजूद नहीं था, वहां बाबर आजम ने अपने मद्दा के साथ नारवा सलूक किया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.